रियासती असम्बली के इंतखाबात नवंबर में मुनाकिद होने के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी इलेक्शन कमीशन ने असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का अमलन आगाज कर दिया। इस खसूस में इलेक्शन कमीशन ने रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मुख्तलिफ अहकामात जारी करते हुए 3 साल से ज़ायद एक ही मकाम पर खिदमात अंजाम देने वाले अहदेदारों बिलखसूस पुलिस और महकमे माल के अहदेदारों के तबादले करने की हिदायत दी। इसके अलावा मुलाजमीन की तैनाती से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी एक सर्कुलर जारी करते हुए इंतखाबी अमल को अंजाम देने वाले अमले की तैयारी के लिए मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने की हिदायत दी, जिसके तहत 5 जून से 10 जून तक शहर हैदराबाद के मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत दी जाएगी। इस तरबियत में फेरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत से लेकर वोटों की गिनती तक के इंतखाबी अमल को अंजाम देने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फिल वक्त रियासत में 2,99,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और फिलहाल रियासत में वोटर लिस्ट में नए नामों की शमूलियत का अमल जारी है, जिसके पेश नज़र रियासत में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ से तजावज़ कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में 60 से 70 अफराद को इंतखाबी अमल से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। बाद में ये मास्टर ट्रेनर्स हर ज़िले में इंतखाबी अमल को अंजाम देने वाले दीगर अमले को तरबियत देंगे। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने रियासत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तादाद और उनमें कारकर्द मशीनों की तादाद के अलावा इंतखाबात के लिए दरकार मशीनों की तादाद की तफसीलात जानने के लिए एक खसूसी मुहिम चलाएंगे।